आज मैं फिर एक ब्लॉग के माध्यम से आपके बीच आई हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हमेशा बच्चों के बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए तरह तरह की क्विज़ करती रहती हूँ, कोई ना कोई छोटे मोटे जो कॉम्पिटिशन होते हैं, कभी बड़े कॉम्पिटिशन करवाती हूँ जिसमें बच्चों को प्राइज़ दिया जाए, और कभी कभी ऐसा भी है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसा करवाती हूँ कि उनकी पढ़ाई, अगर बच्चों की बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी तो नेचुरली वो पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे ही। तो आज कुछ बच्चे आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि बहुत छोटा छोटा उनको आंसर लिखना है, उसकी तैयारी के साथ आए हैं और बहुत एक्साइटेड है कि हम बोर्ड पे लाइव इस क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए, आज सुमिधा मैडम हमारे साथ हैं और सुमिधा मैडम बच्चों को क्वेश्चन देने वाली हैं, और मैं चाहूँगी कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि वो पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, अपनी बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए जितना ज़्यादा हो सके इस तरह के क्विज़ में, कॉम्पिटिशन में, छोटे बड़े जो भी कॉम्पिटिशन स्कूल के अंदर होते हैं, टीचर लेती हैं या मैं लेती हूँ, जो भी लेते हैं या सर लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ज़रूर इस वीडियो को देखें, और अगर समय हो तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार से लाइव आपके सामने सुमिधा मैम के प्रश्नों का, जो वो ब्लैकबोर्ड पर लिख रही हैं, उसका जवाब लिखते हैं। सुमिधा मैम ने साइंस क्विज लिखा है, यानी कि बच्चों को आज के इस क्विज में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन सुमिधा मैम पूछने जा रही हैं। तो चलिए सुमिधा मैम, शुरू करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपको रोल नंबर से आएंगे जी, तो आज 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 कितने स्टूडेंट्स को आप शामिल कर रही हैं? कुल यानी कि 6, ठीक है। आप लोग रेडी हैं बच्चों? ओके ओके। मैम जो क्वेश्चन लिख रही हैं सुमिधा मैम, आप लोग ध्यान से देखिएगा। राउंड नंबर 1 ऐसे बताइए, देखिए बिल्कुल करेक्ट है आंसर। चलिए बहुत अच्छा। सेकंड क्वेश्चन, रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 के लिए सेकंड क्वेश्चन, आप रेडी रहिएगा। व्हिच बॉडी ऑर्गन हेल्प्स इन थिंकिंग? रोल नंबर 2। ये आप लोगों का प्रैक्टिस, साइंस का प्रैक्टिस भी चल रहा है, जिसमें कि साइंस क्विज करवा रही है मैम, आप लोग ध्यान दीजिए, घबरा के मत लिखिए, घबराना नहीं है। आंसर सही और है? आंसर आपका सही है, लेकिन राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन के लिए रोल नंबर 3 रेडी रहेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग को कॉपी पे लिखने की आदत होती है, इसलिए ब्लैकबोर्ड पे आप लोगों को दिक्कत होती होगी, लेकिन कोशिश करना है कि आप ब्लैकबोर्ड पे भी ब्यूटीफुल राइटिंग लिखें, सुंदर राइटिंग भी लिखने का प्रयास कीजिए। रोल नंबर 3 और बिल्कुल घबराना नहीं है, रोल नंबर 3 आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आराम से लिखिए, सोच के लिखिए, ध्यान से लिखिए। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, सही करेक्ट सही है। चलिए बहुत अच्छा। नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। डैश यूज्ड बाय
ये बिल्कुल वीडियो लाइव बन रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलती नहीं करना है। फोटो से थीसिस, रोल नंबर 4। आप आंसर मिलाइएगा सुमिता मैम। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, गुड, करेक्ट आंसर। स्पेलिंग बिल्कुल सही है। कंफ्यूज हो रही थी, बट हाँ, रोल नंबर 5। आर यू रेडी? रोल नंबर 5, विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स टू सर्कुलेट द ब्लड? रोल नंबर 5 का बिल्कुल आराम से लिखिए, आपको कोई ऐसा नहीं है कि हड़बड़ा के लिखना है, आराम से लिखिए। गुड, राइट आंसर, गुड। रोल नंबर 6। रोल नंबर 6 रेडी? यस। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। व्हाट सब्सटेंस गिव्स द रेड कलर आवर बॉडी? चलिए स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, स्पेलिंग भी करेक्ट। वाह, बहुत अच्छा। अभी आपने देखा कि बच्चों ने इस प्रैक्टिस सीरीज में साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सुमिता मैम ने दिया, कितने अच्छे से उन्होंने किया। ऐसी ही प्रैक्टिस हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जो बाकी जो स्टूडेंट हैं, बारी बारी से मैं समय समय पे लाइव वीडियो में, ब्लॉग में आपको दिखाती रहूँगी कि किस तरह से बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ाई में प्रैक्टिस करवाया जाता है और उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बस आपसे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखें, पूरा देखें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगी ब्लॉग के माध्यम से, कुछ और बच्चों को हो सकता है कि वो बोर्ड पे कोई ना हो, हम टेबल पे, डेस्क पे, बेंच पे ले, तो फिर अगली बार हम लोग कनेक्ट होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।